मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। क्लास 9th में हम लोग जो है आज रचनात्मक लेखन में संदेश लेखन जो है नया जो एड हुआ है हमारा चैप्टर उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन पढ़ा रही हूँ। ग्रामर में हम लोग संदेश लेखन जो हमारा नया पार्ट जुड़ा है उसे आज पढ़ेंगे। तो 5 मार्क्स का चैप्टर है या 5 मार्क्स का जो है पोर्शन है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब लोग, और नया भी है तो इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। वैसे काफी इजी है संदेश लेखन, यानी कि जो मैसेज जो हम लोग एक दूसरे को देते हैं आजकल बहुत इजी हो गए हैं चीजें। जो पहले हम अपने संदेश देने के लिए क्या करते थे, जब हमारे पास कोई सोर्स ना होते थे उस समय हम जो है पशु पक्षियों को, यानी पशु को तो कह नहीं सकते आप, पक्षियों को जैसे कबूतर है, तोता है, बाज है, उनसे अपने जो मैसेज है अपने पत्र पर लिखकर एक दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे और साधन भी आ गए हैं। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो हम लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया, और डाके के द्वारा डाक से भी हम अपनी बातों को जो है अपने मैसेज को एक दूसरे को देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमारे पास अब और सोर्स और आ गया है, टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई है, और अब हम जो व्हाट्सएप के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा और ईमेल से बहुत अलग अलग तरीकों से अपने संदेश को जो है भेज सकते हैं और भेजे जाते हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, तो वही हम आज यहाँ जो है पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। संदेश लेखन, किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी कोई मैसेज दे रहे हो या मैसेज ले रहे हो किसी, उसे आप संदेश कहेंगे। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति सम प्लस देश प्लस ध्वज स्वीकार की गई है। इस प्रकार या इस शब्द का जो अर्थ क्या होता है, सूचना देना, समाचार, खबर प्रेषित करना, और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार करे गए। मतलब आज्ञा तो दी कि भाई आपको जाके अपना ये संदेश जो है एक्सेप्ट करो, ले लो, और आदेश उसको आज्ञा भी और आगे आदेश भी दिया गया, आदेश करो उसको। ठीक है, आदेश आदेश भी नहीं है, आदेश भी स्वीकार किया गया। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर पूछा जाए कि संदेश क्या है तो वो क्या आएगा, आपका पुल्लिंग शब्द। संदेश लिखा जाता है, देखो आप सेंटेंस बनाया हमने तो संदेश को लिखा गया, संदेश लिखी नहीं गई इसलिए वो पुल्लिंग में आ गया, और संज्ञा भी है। तो देखो व्हाट्सएप बनाम संदेश, अब व्हाट्सएप बनाम जो है संदेश किस तरह हो रहा है, यहाँ पे देखे हम आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप ही पीढ़ी कही जाती है। हमें याद है कि विभिन्न त्योहारों, पर्वों, विशेष दिवसों या अवसरों पर कार्ड के माध्यम से लिखकर या छपे हुए संदेश भेजे जाते थे। ये हमें पता है पहले कि पहले जो हम लोग क्या करते, अपने त्योहार आते थे तो हम क्या करते, कार्ड से ग्रीटिंग कार्ड्स लाएंगे, सुंदर सुंदर बनाएंगे, या बहुत बड़ा कार्ड, छोटा कार्ड, और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के कार्ड्स हम लाते थे, और डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे ओकेजन में या फेस्टिवल्स पे हम लोग एक दूसरे को जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेंबर्स को दिया करते थे अपने, उससे अपनी जो मैसेज लिखा करते थे, और एक मैसेज जो है अपन प्राप्त भी कर रहे हैं, सामने वाला भी दे रहा है ना हमको, तो इसीलिए। तो टेलीफोन करके भी बधाई संदेश या शुभकामना संदेश दिए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फिर हमने टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे को विश करते, जैसे अभी अभी भी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में टेलीफोन पर आजकल लोग वो जो है टेलीफोन करने का भी कष्ट उठाते हैं और व्हाट्सएप मैसेज किया और काम खत्म। ठीक है, तो वो जो यहाँ हम लोग संदेश लिख दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, ट्विटर पे कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, और अपनी इतिश्री होगी काम में, तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो परंतु व्हाट्सएप के आने के पश्चात पूरा परिदृश्य ही जो है बदल चुका है। कार्ड अप्रासंगिक हो गए, अब तो कार्ड कोई देना चाहता ही नहीं, और कार्ड बनाने के लिए भी हमको बहुत ऐसा लगता है ओल्ड टाइप का, क्यों बनाया, क्या करेंगे इससे, अच्छा व्हाट्सएप पे कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो अब जो है कार्ड अप्रासंगिक हो गए, यानी कि उनकी कोई इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है। फोन पर केवल निकट से, और जो फोन पर भी कौन, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है उन्हें ही हम संदेश दे रहे हैं, हर किसी को तो हम लिखते नहीं, और पता हम ईमेल पे जो है उन पे लिखा, या फिर फेसबुक पे लिखा अपने कोई ऑफिशियल वर्कर है या अपने कोई फ्रेंड है उस पे, ट्विटर पे लिखा, काम खत्म, और कोई खास कोई क्लोज फ्रेंड है तो उसको आप जो है फोन कर लेते हैं आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश जो है भेजे जाते हैं। मुख्य आधार तो व्हाट्सएप ही है, मेन तो यही कि व्हाट्सएप पे जुड़े हैं और जो है हम अपना जो व्हाट्सएप पे अपना संदेश दे रहे हैं। CBSE द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय देखो क्या है, विभिन्न त्योहारों, पर्व त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं या ओकेजन होते हैं वहां पर आप क्या करते हैं, बधाई संदेश ही लिखेंगे या देंगे, जैसे दिवाली, ईद आदि।
विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस है, मातृ पितृ दिवस है, यानी कि जो हमारा आता ही ना वुमेन्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, तो वो भी कहते हैं हम लोग, उसके लिए भी हम मैसेज लिखते हैं। योग दिवस है, पर भेजे जाने का संदेश, वो भी किसमें आएंगे, हमारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, जो सीबीएसई ने हमें बताया कि इसमें आपको यहाँ यहाँ संदेश लिखने के लिए जो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे वो इसमें आएंगे। फिर देखो सामाजिक संदेश कैसे लिखे जाते हैं, जैसे पास फेल उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश, क्योंकि अगर आप पास है तो आपको मैसेज आता है ना स्कूल से कि भाई आपने ये जो है इतने परसेंटेज में इतना जो है पास किया, अगर आप फेल हैं तो उसके लिए भी मैसेज आएगा आपको। तो खोया पाया का संदेश भी जो हम लोग पेपर में देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर होता है, कॉर्नर में कुछ चीज खो गई तो उसके लिए भी आएगा, कुछ चीज मिल गई तो उसके लिए भी संदेश मिला था, ताकि लोग जागरूक हों, मतलब जाने और फिर वो मैसेज देने का ये तरीका होता है। फिर है व्यक्ति का संदेश, जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले संदेश या बधाई और शुभकामनाओं से अतिरिक्त संदेश, ये सारे व्यक्ति का संदेश के अंदर आएंगे। ये कहने का अर्थ है, जो मैं 5 पॉइंट्स पढ़ रही हूँ ये मेरा इसलिए आपको रीड आउट करवा रही हूँ कि आपको पता हो कि जो संदेश लेखन है वो किन किन पार्ट्स में, इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्ति का संदेश लिखिए, तो वहां पे जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जो है अपने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई पत्र लिखे, तो वो किस श्रेणी में आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, व्यक्ति का संदेश की श्रेणी में वो उस कैटेगरी में आएंगे। लास्ट है हमारा 5th, मिश्र संदेश, जिसमें देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी है जो अभी भी चल रही है, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, जो कि क्या है, कौन है, सरकार जो हमको देती है कि ये संदेश हो गया, अभी कोरोना महामारी फैली है तो लोग जो है घरों में ही कैद रहे, कुछ बहुत जरूरी है तो घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क को नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, मतलब आदि कई तरह के संदेश जो है हम लोग, कई तरह के जो रूल्स जो है गवर्नमेंट हमारे लिए लगाती है, तो वो सब संदेश हमको इसी में ही आएगा, मिश्र संदेश के अंदर। तो ये 5 जो पॉइंट मैंने पढ़े हैं उसमें आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप बधाई पत्र दे रहे हैं तो वहाँ त्योहारों के लिए भी आ सकता है, उत्सवों के लिए भी आ सकता है, अगर दिवस के लिए कह रहे हैं तो वो दिखा आपको पता है, जैसे यहाँ पे महिला दिवस है, ये जो मैंने भी रीड आउट किया, वहाँ पे आप महिला दिवस जो भी दिवस वाले संदेश है वो इस कैटेगरी में आएंगे। सामाजिक संदेश मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह यहाँ जो पास फेल वाले संबंधी है या खोया पाया वाला संदेश है वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह 5 पॉइंट्स पे मैंने इनको सीबीएसई ने जो है डिवाइड किया है और ये मैंने आपको रीड आउट करवाया है। अब आप देखो संदेश का जो प्रारूप, यानी कि जो संदेश लिखेंगे हम, क्या ये तो हमें पता लग गया कि संदेश ठीक है हम लोग लिख सकते हैं, अब आपको लिख सकते हैं क्या, मतलब आपको पता है किस किस श्रेणी में आएगा, किस किस कैटेगरी में आप उसको लिखेंगे। तो अब सबसे मेन आपका जो पॉइंट है वो ये है कि संदेश का जो प्रारूप होगा उसका वो किस तरह होगा, वो आप इन 5 पॉइंट्स को मैं रीड आउट करा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। संदेश 30 से 40 शब्दों में हो सकता है, यानी कि छोटा ही बनाना है, बड़ा नहीं लिखना है, अधिक शब्द होने पर भी अंक जो है ना काटे जाए, अगर आपने बहुत ज्यादा लिख दिया तो भी अंक, मतलब कि 30-40 बोला था 50 लिख सकते हो मैक्सिमम, पर ऐसा नहीं कि आप पूरा 1.5-2 पेज का संदेश, तो वो संदेश नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, वो तो निबंध हो जाएगा, लेख हो जाएगा, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो अधिक शब्द होने पर भी जो है अंक जो है नहीं काटे जाए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा ज्यादा उसकी सीमा क्या हो सकती है, 50 शब्दों में हो सकती है। बॉक्स बनाना, सबसे पहले जैसे अभी हम बॉक्स में ही पढ़ रहे हैं ना, ऐसे बॉक्स आपको बनाना चाहिए, अगर आप चाहें तो उसको आप कलरफुल कर सकते हैं, क्रेयॉन से या पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हैं, लिखने के बाद, लिखने से पहले करोगे तो लिख नहीं पाओगे आप, तो वो आप कर सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं संदेश में, ताकि आप किसी को मेल भी कर रहे हैं या जो भी होमवर्क भी दे रहे हैं आप लोग, तो वो थोड़ा क्रिएटिविटी लगे, मतलब थोड़ा अट्रेक्टिव लगे वो, ठीक है, एग्जामिनर को भी और सामने वाला पढ़ने को बार बार मन करे, कितना सुंदर से लिखा है इस बच्चे ने, बहुत ही जो है मजेदार लिखा है इसने, बार बार मन कर रहा है पढ़ने का, तो वो चीजें हमें होनी चाहिए। अब देखो तिथि व समय का उल्लेख, जो तिथि यानी कि डेट आप डालें और टाइम आप कब लिख रहे हैं, ये भी आपको कॉर्नर में यानी कि लेफ्ट साइड आपको डालना चाहिए, लेफ्ट तो अब जो है आप राइट साइड ही लिखें, क्योंकि अब तो सब कुछ जो है राइट साइड से होता है। संबोधन अर्थात किसके लिए, संबोधन अर्थात जगह, यानी कि आप किसको हाईलाइट करो, किसको लिख रहे हो आप, आप व्यक्ति का संदेश लिख रहे हो तो आप अपने रिश्तेदारों को लिखोगे, अगर आप मिश्र संदेश लिख रहे हो तो आप गवर्नमेंट को लिख रहे हो, तो वो आपको वहां संबोधन किसके लिए, आप गवर्नमेंट के लिए लिख रहे हो, सरकार के लिए लिख रहे हो, आप व्यक्ति का संदेश दे रहे हो, या आप बधाई पत्र दे रहे हो, या अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो वो भी आपका यहाँ पर जो है मेंशन होना चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए। सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, इसलिए बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ, बीच में ट्रेन और आ गई है, इसने हॉर्न मार दिया है। अच्छा देखो
लिखने वाले का नाम आवश्यक हो, जो आप लिख रहे हैं यानी कि आप दे रहे संदेश, तो आपका नाम भी वहां पे ऐड होना चाहिए। बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग लिखना चाहिए, यानी कि बोर्ड के एग्जाम हो गया, यानी कि नेक्स्ट जब आप 10th क्लास में एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूरी आप अपना नाम लिखें वहां पे, आपको नाम ना लिखे क्योंकि नाम लिखना वहां पे मना ही होती है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आप नाम नहीं लिख सकते, वहां पे आप क ख ग लिखो या फिर अब ऐसा लिखो, इस तरह हम इसको लिखते हैं इसके। तो यहाँ मैंने आपको बताया, अब देखो एक ही अनुच्छेद हो, सटीक हो, मतलब आप जो भी लिख रहे हो ना बिल्कुल एक अनुच्छेद, ऐसा नहीं कि आप लिख कुछ रहे और कहीं और से कहीं और चले गए हैं, तो इतना ज्यादा नहीं है हमको लिखना। अनौपचारिक या औपचारिकता विषय पर निर्भर करता है। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता यानी कि उसको प्रायोरिटी दी जाती है, कि जिसे आप बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिखें, इजीली लिखें, इजी इजी टू गोइंग जाए, ताकि उसको सामने पढ़ के उसको आंसर दे पाए या उसको समझ पाए। ऐसा बहुत हार्ड वर्ड्स या हार्ड शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो, संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्त या उक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान दें, आपको ऐसा नहीं मुहावरों को लिख रहे हैं, लिखना आपको छोटा सा, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो इस तरह हमको वो नहीं लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे संदेश है 10 मार्च 2020 और शाम के समय जो है 6 बज रही है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, प्रिय सौरभ शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक बधाई पत्र देकर इसने विजय दत्ता यानी कि जो विजय दत्ता है उसने अपना एक बधाई संदेश यहाँ पे बिल्कुल प्रस्तुत किया है, सिंपल सोबर तरीके से। आप इसको क्रियोन्स या जो है अपना पेंसिल कलर से भी शेडिंग देके थोड़ा अट्रेक्टिव कर सकते हो, वो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगी किस तरह में करना है। देखो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये भी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते, देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है एक आंटी और एक बच्चे का जो है संदेश है वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद एक और मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको, ये देखो यहाँ भी है हमारा कि 19 नवंबर को और 2019 का है, यहाँ कल प्रकाश एवं दीपावली है तो दिवाली के ऊपर संदेश लेखन है, तो इस तरह यहाँ। और ये सूचना लेखन जो है, ये सूचना और संदेश लेखन में अंतर है, ये भी मैं आपको बताऊंगी लाइव क्लास में, आप यहाँ देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है इससे मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ, तो इतना ही आज है। ओके बाय बच्चों, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चंस है हमारे, ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। ओके बाय।